ये देखिए, हमने अच्छे से इसको कस लिया घिया कस में। अब इसका पा इसमें ना पानी आ जाता है, फिर ना बन नहीं पाएगा। पहले इसका इसके पकोड़े बनाएंगे, उससे पहले ना पानी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने सभी जो भी कोफ्ते थे घिया के कोफ्ते हमने पकोड़े बना लिए हैं, और ये हमने प्याज काट के रखा है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखो, अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो गया, प्याज टमाटर भी पूरा गल गया अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना मस्त लग रहा है कलर, हमने पानी भी इसमें डाल दिया जितना चाहिए, और अच्छे से बेटू भी है यहाँ पे, और बेटू खा के बताएगा कि कैसा टेस्ट बना वैसे है। मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगता, खा के बताते। नहीं बेटा, खा के बताओ कैसा बना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। फ्रेंड्स आज मैं लेके आ रही हूँ, मैं ना बहुत दिन के बाद बना भी रही हूँ ये घिया के कोफ्ते, और बहुत जगह इसे बोलते हैं कद्दू के कोफ्ते और लौकी भी बोलते हैं। तो मैं दिखाती हूँ रेसिपी की कैसे बनाते हैं, तो आइए मेरे साथ और देखिए कि कैसे बनाना है। फ्रेंड्स फाइनली डुगू को पढ़ा दी जितना ये मतलब याद किया, मुझे मुझे सुना दिया अच्छे से। डुगू पढ़ाई करता है बेटा मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो अब तैयारी किया जाए डिनर का, कितना तो मज़ा आता है ना ऐसे तो करने मैं में। इसका बनाऊंगी, आपको वैसे अंदाज़ा लग ही गया होगा ऐसे क्या बन सकता है। मैं बनाऊंगी घिया के कोफ्ते। कोफ्ते होता है या कोफ्ते? कोफ्ते कैसा लगता तो है? तो फ्रेंड्स पता है मतलब कि मैं तो स्टार्टिंग से मतलब दिल्ली में रही हूँ, तो मुझे घिया ही बोलने का आदत है घिया, लेकिन इसको कद्दू भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं झारखंड बिहार तरफ, और कोई कोई और क्या बोलते हैं, कद्दू और एक चीज़ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है हम कभी घिया और एक चीज़ और। आपके यहाँ क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे तो कद्दू ही पता है, मुझे नहीं पता था इसको घिया भी बोलते हैं। हम लोग तो शुरू से घिया ही घिया बोलते थे, आज तो घिया के कोफ्ते बनाएगी मम्मी ऐसे बोलते थे हम लोग। और बहुत टेस्टी लगता है, कैसा लगता है? बहुत टेस्टी बना, खाना खाना अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से बनाती हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ठीक है। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको कस लिया घिया कस में। अब इसका पा इसमें ना पानी आ जाता है, फिर ना बन नहीं पाएगा। पहले इसका इसके पकोड़े बनाएंगे, उससे पहले ना पानी ना थोड़ा सा निचोड़ लेंगे इसमें। इतना सारा? इसमें ना पानी बहुत आता है, अगर पानी ज़्यादा रहेगा ना तो बनाने में बहुत दिक्कत होएगा, तो पानी इसको अरे हल्का ये गिर गया, कोई बात नहीं, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी इतना मज़ा आता होगा ना। बहुत मेहनत लगता है, लेकिन कोफ्ता खाने का मन। मम्मा मैं ऐसे होममेड बॉल ऐसे ही करके तो बनाया था, पूरा ऐसे पानी निकाल रहा था उसका। अच्छा, डुकुआ ना बॉल बनाया था घर पे पेपर से, पानी से पेपर, वो पेपर को पूरा भिगा के वैसा पूरा अच्छे से सोखना है। रुको ना बेटा, क्यों हमको भी कर? नहीं नहीं बेटा, मम्मा को करने दो, जल्दी हो जाएगा, फिर पता लेट हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी कर लो, थोड़ा सा तुमको जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स इस तरह से गोल गोल बना लेंगे इसके पकोड़े, आपको जैसा भी पसंद है अपना साइज के हिसाब से, छोटा लंबा गोल चपटा जैसा भी है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। गोल गटम लकड़ बदम दे दादांदर प्रतियोगिता इज नोन एज क्रिकेट इन हिंदी। तो मुझे तो जल्दबाजी है, तो मैं थोड़ा बड़ा ही बड़ा बना ले रही हूँ, मुझे टाइम नहीं है उतना, को पढ़ाना है थोड़ा सा देखना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने सभी जो भी कोफ्ते थे घिया के कोफ्ते हमने पकोड़े बना लिए हैं, और ये हमने प्याज काट के रखा है यहाँ पे, ये टमाटर है, और कढ़ाई भी हमारा गरम हो चुका है क्योंकि इसी कढ़ाई में हमने पकोड़े बनाए थे, तो गरम हो चुका है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब मुझे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बेटू चला गया पढ़ाई करने के लिए। तो ये ऑयल हो गया गरम, ये हमने डाल दिया जीरा, अब इसमें आ जाएगा ये प्याज, प्याज प्याज को होने देते हैं अच्छे से लाल। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हो चुका है लाल। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज भी लाल टमाटर भी लाल। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब मसाला भी दे देते हैं, सब मसाला के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो मसाला में क्या है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये रहा मिर्च पाउडर, और डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक भी इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स। बस अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे सभी मसालों के साथ। कुछ तो मैं इसमें भूल रही हूँ, हाँ 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 फ्रेंड्स, वो डालना तो मैं भूल ही गई। तो सब मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एक मिनट। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी मसाले डाल दिए, डालना हम भूल गए थे इसमें लहसुन अदरक जीरा और काली मिर्च पीसा हुआ है। तो थोड़ा सा एक 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 चम्मच के आसपास हमने डाल दिया है, और अच्छे से पूरा इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखो अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो गया, प्याज टमाटर भी पूरा गल गया अच्छे से, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो बना के फटाफट से फिर खाएंगे रोटी के साथ। तो फिर इसमें डाल दिया हमने सभी पकोड़े, कद्दू के पकोड़े, घिया के पकोड़े, जो मर्जी बोल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे, इसमें पानी डल जाएगा तो रेडी होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना मस्त लग रहा है कलर, हमने पानी भी इसमें डाल दिया जितना चाहिए, और अच्छे से मिक्स करके अभी बस थोड़ा सा इसमें कुछ बाकी है, वही अपना गरम मसाला, ये हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला थोड़ा सा, और धनिया पत्ता हमारा रेडी हो चुका है, घिया के कोफ्ते रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये रहा घिया का कोफ्ता, और यहाँ पे है रोटी, या बेटू भी है यहाँ पे, और बेटू खा के बताएगा कि कैसा टेस्ट बना है। मुझे ये तो अच्छा नहीं लगता, खा के बताता। नहीं बेटा खा के बताओ कैसा बना, मम्मा बहुत मेहनत किए बनाने में। अच्छा लग रहा है, खाई देखो अब खा के, क्या कोफ्ता देखो खा के ऐसे ही बिना रोटी के। अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लगा सही में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।